तरीके से यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर जो है इंसाफ की लड़ाई उसको बुलंद करने के लिए जो कोलकाता के लोग हैं, जो कोलकाता के आम लोग हैं, जो महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, अब वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से आंसू गैस के गोले फिर से छोड़ दिए गए हैं, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। और जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल, उसके बाद आंसू गैस के गोले, ये जो सिलसिला है ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज बंगाल की जो पुलिस है वो भी आज प्रदर्शनकारियों को छोड़ने के या बख्शने के मूड में नहीं है, आगे बढ़ने के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि आज हर हथकंडा उनकी ओर से अपनाया जा रहा है, चाहे वाटर कैनन की बौछार हो या फिर आंसू गैस के गोले हो। आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो कोलकाता की सड़कों से निकल के आ रही है जतन, और बाकी जो दर्शक देख रहे हैं वो भी समझ पा रहे होंगे कि आखिर ऐसे क्या हालात बन गए जब प्रदर्शनकारियों का एक तबका प्रदर्शन करना चाहता है, मार्च करना चाहता है, अपनी आवाज को आगे पहुंचाना चाहता है, और आज ममता दीदी की जो पुलिस है वो आज ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे ये लोग इस देश के हैं ही नहीं, ये कहीं और से आए हुए हैं, ये किसी गैर देश के आए हुए हैं। तो बताना चाहूंगी मैं उनको कि जो लोग है ना, ये कोलकाता के ही लोग हैं, ये बंगाल में जो रहने वाले लोग हैं, जो बांग्लाभाषी लोग हैं, जो माँ माटी का मानुष का नारा बुलंद करते हुए ममता दीदी के साथ कदम ताल करते रहे, आज वो अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए सड़कों पर जब पैदल मार्च कर रहे हैं तो आज वो उनको नागवार गुजर रहे हैं, आज उनकी पुलिस को नागवार गुजर रहे हैं, और उनको रोकने के लिए हर कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से। और यही वजह है कि आज पूरा देश एकजुट दिखाई देता है, जब हमने पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में एम्स से लेकर के देश के कोने कोने में से जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस है, टॉप हॉस्पिटल्स है, वहाँ के डॉक्टर्स को प्रोटेस्ट करते हुए देखा है, मार्च करते हुए देखा है, अपनी मांग करते हुए देखा है, न्याय की मांग करते हुए देखा है। और कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ पर भी दिखाई दे रही है जहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है अब वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जहाँ मेरी मौजूदगी है, ये भी एक स्पॉट ऐसा है जहाँ पर प्रदर्शनकारी कुछ देर में पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पर उनको रोकने के लिए मल्टी लेयरिंग की गई है, बांस की बलियों के साथ साथ यहाँ पर जो देख रहे हैं आपकी जो अब लोहे के जो दरवाजे हैं वो तक यहाँ पर लगा दिए गए हैं, खराब मोबाइल का इस्तेमाल करके जो यहाँ पे जो रॉड है वो लगाई गई ताकि जो प्रदर्शनकारी यहाँ तक पहुँचे और जब पकड़ने का प्रयास करे वो इन रॉड्स को, तो वो यहाँ पर फिसल करके गिर जाए, वो आगे ना बढ़ पाए, उनकी ताकत खत्म हो जाए, उसके बाद जो बच जाए उन पर पानी की बौछार की जाए, आंसू गैस के गोले छोड़े जाए। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी है उनको उनके स्वागत को लेकर भी तैयारी कर ली गई है, तैयारी ये कि इनको बताया जा रहा है कि डोंट क्रॉस दिस लाइन, अगर आप लाइन क्रॉस करते तो जो तैयारी देख रहे हैं पीछे आप आंसू गैस के गोलों की और हमला करने की, लाठी चार्ज करने की, तो वो यहाँ पे पीछे तैयारी कर ली गई है। तो आज कोलकाता से जो संदेश जाएगा वो आप यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा पूरे देश के लिए, कि जब देश का एक ऐसा राज्य बंगाल जहाँ पे महिलाओं की सिक्योरिटी के को लेकर जो तमाम सवाल खड़े होते रहे संदेश खाली से लेकर के और आज महिला डॉक्टर तक, और वो महिलाएं आज सड़कों पर उतर के सुरक्षा की मांग करती रुक करते हैं जतिन, जो तस्वीर दिखा रहे लगातार दर्शकों को, हम अपने दर्शकों को ये दिखा रहे कि देखिए किस तरीके से कोलकाता में आज विद्रोह की और युद्ध की तस्वीरें हैं, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें आपके पास? आज बिल्कुल देखिए अनामिका, लगातार आज जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सचिवालय का मार्च करने के लिए उतारू है, और यही तस्वीरें अलग अलग पॉइंट से नजर आ रही हैं अपने दर्शकों को। जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पांच ऐसी तस्वीरें जिसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, दूसरी तस्वीर में आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है जब बैरिकेड तोड़े गए, तीसरी तस्वीर में आप वो देखेंगे, चौथी तस्वीर में कि कैसे खदेड़ा गया उनकी तस्वीर देखेंगे, और लगातार जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। आपने अपनी बात शुरू की थी तो निर्भया केस का जिक्र किया था, छात्रों में गुस्सा इसी बात को लेकर है कि 2012 में वो केस हुआ था, उसके बाद कई दावे किए गए लेकिन जमीनी स्तर पर क्या निकला, उसके बाद हमने हाथरस का केस कवर किया, उस समय भी तमाम आंदोलन किए गए, क्या निकला, कुछ नहीं निकला। और आज जब कोलकाता की एक अभ्या के साथ ऐसा हुआ तब भी बदलाव की बात की जा रही है, कमेटी बना देने की बात की जा रही है, लेकिन जमीन पर क्या निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है। और यही गुस्सा है छात्रों के बीच में कि उन्होंने आज ममता बनर्जी का जो दफ्तर है सचिवालय उसका घेराव करने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से शुरू की। मिला क्या, तस्वीरें आप देख लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पानी की बौछारें उनको मिल रही है, और क्या मिल रहा है, आंसू गैस के गोले उनको मिल रहे हैं, लाठियां उनके ऊपर बांधी जा रही है, उनको पीछे खदेड़ा जा रहा है, बैरिकेड्स एक अमूमन हाइट 6 फीट होती है, 15-15 12-12 फीट के जो बैरिकेड्स है वो लगा दिए गए, बैरिकेड्स तो लगाए गए, उनको आपस में वेल्डिंग जो है वो कर दी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें विचलित करने वाली है, और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें उस इंसाफ की मांग को उठाने वाले जो छात्र है उनके ऊपर जो बल प्रयोग किया जा रहा है उसको लेकर लगातार लोगों में गुस्सा है, और गुस्सा कहीं ना कहीं अब सड़कों पर उतर रहा है। और आप तस्वीरों में देखिए
कि हाथ में तिरंगा लिए एक प्रदर्शनकारी खड़ा हुआ और उसके ऊपर कैसे पानी की बौछारें जो है वो की जा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है कि क्या इंसाफ मांगना सड़कों पर उतरना गुनाह है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या इस तरीके से आपके ऊपर पानी की जो बौछारें हैं वो डाली जाएगी, आपको आगे जाने से रोका जाएगा। लेकिन तस्वीरें जो कोलकाता की सड़कों पर देखने को मिल रही है वो इसी ओर इशारा कर रही है कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो पानी की बौछारें डालकर आपकी आवाजों को दबा दिया जाएगा। ये हावड़ा ब्रिज की तस्वीर देखिए आप, पीछे आपको हावड़ा ब्रिज नजर आ जाएगा। चाह क्या रहे थे प्रोटेस्टर, इस हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करके आगे सचिवालय की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन क्या मिला उनको? उनको मिले 12-15 फीट बड़े बड़े बैरिकेड्स, उनको मिली पानी की बोछारे, और जिस तरीके की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उन इंसाफ की मांग करने वाले छात्रों के ऊपर जो पानी की बोछारे डाली जा रही है उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा वो प्रोटेस्टर्स बोल रहे हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। ये वो प्रोटेस्टर्स है जो लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये वो प्रोटेस्टर्स है जो सेफ एनवायरमेंट मांग रहे हैं। ये वो प्रोटेस्टर्स है जो पिछले 15 दिनों से इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। अनामिका, अनामिका आपके पास आएंगे, क्या तस्वीर आपके पास, क्या अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? तो मांग है जतिन सेफ एनवायरनमेंट की, लेकिन बात निर्भया की करें या अभया की करें या हाथरस के बेटी की, सरकारों की ओर से हर बार मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है बजाय कार्रवाई करने के। उसके बाद जो हालात बनते हैं कुछ ऐसे ही बनते हैं। जब आज पानी की बौछार सहनी पड़ रही है, जब आज आंसू गैस के गोले सहने पड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए प्रदर्शनकारियों को, महिलाओं को, स्टूडेंट्स को, और शायद यही वजह है कि 2012 से लेकर 2024 तक साल बीतते गए लेकिन घटनाएं थमने का नाम नहीं लेती है। और यही वजह है कि जब हम बात करते हैं दिल्ली की या बाकी किसी अन्य राज्य की, या जब बात करते हैं बंगाल की, तो बंगाल ने तो बाकी राज्यों को जैसे पीछे छोड़ दिया हो। संदेश खाली से लेकर के ट्रेनी डॉक्टर, जो डॉक्टर अपना सपना पूरा करना चाहती थी, अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहती थी, उसके साथ ऐसी विभत्स वारदात को अंजाम दिया जाता है। और जब उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए जो लोग सड़कों पर उतरते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, तो उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे वो प्रदर्शनकारी ना हो बल्कि मुजरिम हो, बल्कि आतंकवादी हो, ऐसा बिहेव किया जाता है। अरे भाई, मैं बताना चाहती हूँ मैं दर्शकों के साथ साथ ममता सरकार को भी कि ममता दीदी, ये जो जनता है ये आपकी ही जनता है, ये कोलकाता के ही लोग हैं, इनके पास यही का आधार कार्ड है, ये यही के वोटर्स हैं, ये यही के वो लोग हैं जो आपके साथ हर कदम पे खड़े रहे हैं। लेकिन आज वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय चाहते हैं, चाहते ये है कि जो डॉक्टर्स बाकी हो वो सिक्योर फील करें, सेफ एनवायरमेंट मिले उनको, इसके साथ साथ ये भी चाहते कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दी जाए। और ये तमाम जो आरोप, ये जो तमाम बातें मैं कह रही हूँ, ये तमाम बातें आप सुन भी रही होंगी, समझ भी रही होंगी, और आज जो जो दर्शक है, जो जनता है, वो भी आज समझ रही होगी। समझना ये भी पड़ेगा कि आखिर ऐसे हालात कब तक, और ये पानी की बौछार कब तक, ये आंसू गैस के गोले कब तक, क्योंकि सवाल दरअसल ये है कि क्या प्रदर्शन करना भी गुनाह है? इस देश में लोकतंत्र है, जिस देश में यहाँ पे दिल्ली में एक जंतर मंतर जगह ही बना दी गई प्रदर्शन करने के लिए, इसके कई राज्य झुक जाती हैं, फैसले बदल डालती हैं अपने प्रदर्शन के आगे, आज उसी कोलकाता में प्रदर्शन करने पर ये हालात पैदा किए जाते हैं जहाँ पे बांस की बल्लियों से लेकर के कांटे बिछाए जाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, हमले किए जाते हैं, लाठीचार्ज की जाती है, और बच जाए तो आंसू गैस के गोले छोड़ के उन्हें बेहोश कर दिया जाता है। ये स्थिति बन गई है बंगाल में समय कोलकाता में, जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ तो बाकायदे अनाउंसमेंट किया जा रहा है बाकी लोगों को, आम लोगों को, कि वो इसके आसपास भी ना आए। और ये संदेश कोलकाता के लोगों के लिए भी है कि जो आम लोग हैं वो आज घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आज सड़कों पे संघर्ष है, युद्ध बहुत भारी है, संघर्ष है, गुस्सा है, नाराजगी है। उसके बाद जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वाटर कैनन के बौछार की और आंसू गैस के गोलों की, लाठीचार्ज की, जिसमें कई लोग बेहोश भी हो रहे हैं, गिर भी रहे हैं, महिलाओं को चोटें आ रही हैं। इस प्रदर्शन की खासियत ये भी है कि इस प्रदर्शन में स्टूडेंट्स के साथ साथ भारी संख्या में महिलाओं की भी मौजूदगी है। कई महिलाओं की आवाज़ और बातें सुनाई हमने आपको, जो कह रही थी कि हम चाहते हैं दरअसल कि बंगाल में माहौल बदले, हमारा कोलकाता कभी ऐसा नहीं था, हमारा बंगाल कभी ऐसा नहीं था, लेकिन जो हादसे, जो हालात बने पिछले कुछ दिनों में, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब बिटिया यहाँ पे और बेटियाँ यहाँ पे खुद को अनसेफ फील कर रही हैं, सेफ इन्वायरमेंट चाहती हैं, खुद के लिए सेफ सिक्योर जगह चाहती हैं, वॉकिंग प्लेस पर सिक्योरिटी चाहती हैं। और जब वो इसकी मांग करती हैं तो ममता दीदी की पुलिस उन पर लाठियों की बौछार करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ती है, और यहाँ पे ऐसे बर्ताव करती है कि जैसे वो कोई मुजरिम हो, जेल से भागे हुए कैदी हो, या जिनके ऊपर पहले से बहुत सारे मुकदमे चल रहे हो, वांछित अपराधी हो, कुछ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। और देखिए अब ये देखिए जहाँ पर मेरी मौजूदगी है वहाँ पे भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखा दूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे भी तस्वीर जुदा
खड़ा नहीं है। यहाँ पे चूंकि प्रदर्शनकारी पहुंच नहीं पाए हैं और जगह जगह पे पहले रोक दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तैयारी कुछ ऐसी कि जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें कैसे यहाँ पर रोका जाएगा, कैसे कैसे उन्हें यहाँ से पीछे खदेड़ा जाएगा उसको लेकर। और ये देखिए कोलकाता से जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, तो सिर्फ बंगाल पुलिस के अलावा बाकी जो सीआरपीएफ के जवान है, जो सीएसएफ के जवान है, वो भी देख पा रहे होंगे आप, उन्होंने भी मोर्चा संभाल रखा है। और प्रयास बस इनकी ओर से ये है कि जैसे प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाए वैसे ही उन पर पानी की बौछार कर दी जाए, वैसे ही उन पर जो वाटर कैनन के साथ साथ जो आंसू गैस के गोले हैं वो उन पर डाल दिए जाए ताकि वो पीछे